अस्सलाम वालेकुम। ये हम आपको आज अपने पेट हाउस की गहमा गहमी दिखाएंगे। शाम का वक्त है ये और ये हमारे पेट्स इस वक्त अपना खाना खाने में बिज़ी हैं। मुर्गियाँ सकून से खाना खा रही हैं और ये इनका मुर्गा। तो हमारे पास जिस तरह मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में, दो मुर्गे हैं। इसका नाम हमने शेरू रखा हुआ है और दूसरा जो मुर्गा है वो टाइगर है। वो मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। ये देखें, ये कबूतर भी आ गया है। जैसा मैंने आपको बताया कि मुर्गियों के साथ ये कबूतर काफ़ी हद तक जो है ना वो खाने के वक्त में आ जाते हैं, शेयर करते हैं खाना। तो ये दो कबूतर अब मुझसे भी नहीं डरते, हमारे पले हुए नहीं हैं लेकिन ये हमारी छत पर होते हैं। तो देखें, शाम के वक्त ये लोग बिल्कुल जो है वो हेल्दी चिक्स हैं सारी ये। अच्छा भाई, ये हमारा है शेरू था और ये हमारा है टाइगर। टाइगर अभी शोर कर रहा है, कह रहा है मुझे निकालो भाई, लेकिन मैं इसको निकाल नहीं सकता। आप देखते हैं कितना एग्रेसिव है ये, टू एग्रेसिव। तो इसको मैं ज़रा ओपन एरिया में ले आता हूँ। चलो भाई तुम आ जाओ यहाँ पर। ये इसको मैं ओपन एरिया में ले आया हूँ। ये टाइगर की मस्तियाँ चेक करें आप। ये टाइगर जो है वो एक दो दफ़ा अहमद पर अटैक भी कर चुका है। इसका हम ना बिल्कुल रिस्क ले नहीं सकते। दोबारा लेके चलते हैं आपको अपनी शेरू के पास। और ये देखें, शेरू के साथ ये कबूतर। शेरू बेटा सुबह का टाइम नहीं है, शेरू शाम में भी ना अजान देने से बाज नहीं आता, हर वक्त अजाने देता रहता है। और ये देखें, कबूतर भी खाने में मसरूफ़। इस पिंजरे में जो है ना, इस पिंजरे में कुछ घेमा कभी नज़र आ रही है। अच्छा तो भाई, आप लोगों को भी बाहर निकलना है, इनको बाहर निकाल दें। तो ये देखें, बाहर निकल गए ये लोग। ये हमारे ऑस्ट्रोलोप हैं जो तकरीबन 3 से 4 मंथ्स हो गए, लेकिन ये मुर्गियाँ इनको नहीं छोड़ेंगी, ये मुर्गियाँ इनको मारेंगी। अभी आप देखें थोड़ी देर में। और यहाँ पे जो है हमारे ये टाइगर साहब जो हैं वो बहुत शोर मचा रहे हैं। हाँ भाई, क्या हिसाब किताब है आपका, आप क्यों शोर मचा रहे हो? तो देखें, ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो रूफ़ का व्यू। सामने आपको ये बिस्मिल्ला टावर्स नज़र आ रहे हैं कराची के। और ये है हमारी पेट हाउस। देखिए चारों दोस्त, शेरू कितना, टाइगर भी बहुत ज़्यादा अजाने दे रहा है। और ये चारों दोस्त देखें, पिंजरे से बाहर आते ही जो है वो हलचल मचा दी इन्होंने, एंजॉय कर रहे हैं। वैसे ये नॉर्मली इस पिंजरे में रहते हैं सामने। और ये हमारे शेरू भी काफ़ी अजाने दे रहे हैं। मुर्गों को हम बंद रखते हैं। अब इनमें से जो हैं वो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दो मुर्गे हैं और दो मुर्गियाँ हैं। ये एक मुर्गा और एक मुर्गी है, और ये एक मुर्गा और एक मुर्गी है। मुर्गे अभी तो अटैक नहीं करते, लेकिन जिस तरह ये बड़े हो जाते हैं तो फिर ये इस तरह के ख़तरनाक मुर्गे हो जाते हैं और फिर ये करते हैं अटैक। आप ही करोगे अटैक, इसलिए ना इनको बंद रखना पड़ता है इस तरह के जाल में। और कबूतर देखें पीछे एंजॉय कर रहा है। और ये इस वक्त बड़ा डेंजरस लग रहा है हमारे पास टाइगर। और एक और कबूतर आया है नाजरीन, एक और कबूतर, एक और कबूतर। अभी टोटल 3 कबूतर हो गए। कबूतरों को डरा रहे हैं ये हमारे छोटे छोटे चिक्स, और ख़ुद भी डर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि हम डराएँ या ये डरें। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, जिसमें हमने आपको आज हमारे पेट्स की जो गहमा गहमी है शाम की वो दिखाई, और इन्होंने जो खाना खाते हुए आपको दिखाया। और ये इस वक्त जो है वो फीड एंजॉय कर रहे हैं। बस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये इनको जो 3 नंबर की फ़ीड है ये दिया करें, इससे ये हेल्दी रहती हैं। लोग रोटी भी देते हैं जो है वो, जो है और चीज़ें भी देखते हैं, लेकिन ये जो फीड है ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है, जो इनकी एग की प्रोडक्शन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चार अब बड़े हो गए, अब इनसे भी थोड़ा मुझे बचना पड़ेगा, क्योंकि मुर्गे तो अटैक करते हैं लेकिन ये चार भी अब इतने बड़े हो गए हैं कि ये अटैक करने से नहीं छोड़ते।